कोई व्हीकल इंजन या लोहा को स्टेबल करने की आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कंट्रोल से, तो आप उसको स्टेबल करते हो और स्टेबल करके उसको सिक्योर करते हो। सिक्योर करने के लिए जो आपके पास इक्विपमेंट होना चाहिए, आप देख सकते हैं वुड वेजेस दिया होता है आपको, आपको क्लैंप दिया होता है जिसको आप क्लैंपिंग करके उसको लॉक करते हैं, ये चेन दिया होता है जो आप जो है चेन लगाते हैं उसको सिक्योर करने के लिए और उसको लॉक करते हैं, ये टॉर्च होता है आपके पास लाइट में काम करने के लिए, और ये फ्लैग होता है आपको डे में यूज करने के लिए। तो इन सारे इक्विपमेंट को इस्तेमाल करते हुए आप एक लोड को स्टेबल करते हो और सिक्योर करते हो। अब क्वेश्चन ये होता है कि आप लोड को सिक्योर क्यों करते हो, तो बहुत सिंपल सा उसका आंसर है कि जो लोड वहां पे आप खड़ा करने जा रहे हो वो कहीं रोल डाउन ना हो जाए, और रोल डाउन होकर जाकर कहीं डिरेल हो जाए या एक्सीडेंट करा दे, इसी को बचाने के लिए हम लोग लोड को सिक्योर करते हैं। किसी भी लोड को स्टेबल करने के लिए जो आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, कंट्रोल के माध्यम से। इनके पास कंट्रोल के माध्यम से एक इंफॉर्मेशन आती है कि आपको ये लोड जो है स्टेबल करना है। स्टेबल करने के बाद उस लोड को आप सिक्योर कराते हैं, सिक्योर कराने के बाद जिस लाइन पे वो लोड स्टेबल है उस लाइन को अन्य लाइन से उसको आप आइसोलेट कर देते हैं ताकि किसी भी दुर्घटना को रोका जा सके रोल डाउन के कंडीशन में। ये काम आप कर लेते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं कि ये स्टॉप कॉलर जो है इस पे लगा देते हैं, ये स्टॉप कॉलर जो है यहाँ पे ये सेट कर देते हैं उस लाइन के लिए ताकि इस पे कोई इस पॉइंट का ऑपरेशन ना हो पाए। उसके बाद ये क्या करते हैं, इनके पास एक लोड स्टेबलिंग रजिस्टर होता है आप देख सकते हैं, और इसमें सारा कॉलम दिया हुआ है, इस कॉलम का एक एक एंट्री इनको जो है भरना होता है। ये बियारन वागन है, और इस बियारन वागन को कैसे हम सिक्योर करेंगे इसके बारे में हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। तो चलिए अभी मनु आप जो है गुटका लगाइए। ये तरीका जो है पूरे तरीके से गलत है, इस तरीके से कभी भी गुटका नहीं लगाना है, ये तो गलत तरीका हुआ। आप अब सही तरीका से गुटका लगाकर दिखाइए। इस गुटका को सही करके पहले, हाँ ये गुटका जो है प्रॉपर तरीके से जो पहिया है यानी कि हमारे जो बियारन वागन है उसका जो लास्ट वाला जो पहिया है अंतिम पहिया उसमें जो है एक तरीके से हम उसको फिक्स कर दिए, वैसे ये दूसरे तरफ जो है दूसरे पहिया में उसको फिक्स कर दिए। अब हम क्या करेंगे इसके बाद हम एक सेफ्टी चेन लगाएंगे और उसको जो है उसमें ताला लगाएंगे और उसको लॉक करेंगे। चलिए लगाइए ताला। आप एक बार दिखा सकते हैं कि किस तरीके से गुटका और चेन जो है नीचे की तरफ लगा है, और यही तरीका जो है सही तरीका माना जाता है गुटका और चेन बांधने के लिए, यानी कि हमारी ये गाड़ी जो है एक तरफ से जो है पूरी तरह से सिक्योर हो गई। यही ऑपरेशन जो है दूसरे तरफ करेंगे यानी दूसरे चेन में करेंगे, और वहाँ पे उधर से जो है दो गुटका हम लगाएंगे और वहाँ पे भी हम चेन से उसको सिक्योर करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि हमने जो है इस लोड को जो है एक तरफ से जो है एक छोर से हमने सिक्योर किया और दूसरे छोर पे हमने बिल्कुल वैसे ही तरीके से सिक्योर किया उसको। अब हम क्या करेंगे, इस बियारन वागन का चूँकि ये गुड्स का वागन है तो इसमें जो है हैंड ब्रेक जो है हर एक वागन में दिया होता है, तो यहाँ पर जो हैंड ब्रेक है इसको कैसे हम पूरी तरीके से टाइट करेंगे करके बताइए किस तरीके से टाइट करेंगे। तो ये जो है प्रॉपर तरीके से हम इसको टाइट कर देंगे, तो अभी आपने देखा कि कैसे हम लोग इस ब्रेक पैन को जो है गुटके के साथ और चेन के साथ सिक्योर कर दिए हैं। अब जो है गार्ड साहब आप क्या करने वाले हैं, आप ऑपरेशन करते हुए हमें दिखा रहे हैं। अब गार्ड साहब जो है इसको जो है ब्रेक को टाइट से घुमा रहे हैं ताकि पूरी तरीके से टाइट हो जाए।
टाइट हो जाएगा तो हम मान लेंगे कि हैंड ब्रेक जो है अप्लाई हो गया और ये ब्रेक मैन जो है पूरी तरीके से सिक्योर हो गया, क्योंकि एक लोड है ये पूरा का पूरा, तो एक तरफ से ये लोड पूरा सिक्योर हो गया। अब हम देखेंगे कि लोको पायलट के साइड से इंजन को कैसे सिक्योर करना है ताकि जो है ये पूरा रेक जो है स्टेबल हो जाए और सिक्योर हो जाए। ये एक पैसेंजर ट्रेन जो है आइजत नगर स्टेशन पे स्टेबल होने के लिए आई हुई है। इसको स्टेबल करने का जो नियम होता है वो आपका GNSR का जो 5.23 जो रूल है उसमें दिया हुआ है। पैसेंजर ट्रेन में एक SLR होता है जिसमें कि गार्ड जो है बैठते हैं और उनकी कुछ ड्यूटी दी गई है कि किस तरीके से इसको आप सिक्योर करेंगे स्टेबल करते समय। तो इसमें जो है एक हैंड ब्रेक होता है और इसको गार्ड की जिम्मेदारी होती है कि उस हैंड ब्रेक को टाइट करें। तो अभी आपको देख सकते हैं कि किस तरीके से ये टाइट कर रहे हैं। गार्ड साहब जो है इस हैंड ब्रेक को टाइट कर रहे हैं। दूसरी तरफ से जो इंजन है, इंजन को जो है लोको पायलट की जिम्मेदारी होती है कि उसे सिक्योर करें, यानी कि जो A9 ब्रेक है और SA9 ब्रेक है प्लस जो पार्किंग ब्रेक दिया गया है उसको अप्लाई करें और उसके बाद जो है जो उनको गुटका दिया गया है उस गुटका को जो है जो बाहरी वाली पहिए में लगाएं और उसको सिक्योर करें। लोड को सिक्योर कर दिया, लेकिन जब लोड को ड्रॉ करना होता है तो उसमें जो हम गुटका लगाए होते हैं और चेन लगाए होते हैं उसको जो है हमें हटाना होता है पहले, तब हम लोड को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे में हमारा पॉइंट में जो है फिर से जाता है और जाकर गुटका को हटाता है और चेन को खोलता है और तब जो है उस लोड को ड्रॉ करते हैं। अभी आप देखेंगे तो गुटका को हटा रहे हैं। अब यहाँ पे दिखा सकते हैं ये गुटका को हटा लिया, गुटका इनके हाथ में है, इन्होंने गुटका को हटा लिया और ये अब कह रहे हैं कि ओके हो गया, लेकिन नहीं, ओके नहीं हुआ यहाँ पे। क्यों ओके नहीं हुआ? क्योंकि अभी भी एक गुटका जो है यहाँ पे लगा रह गया। और अक्सर स्टाफ ये गलती कर जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमने दोनों गुटका निकाल लिया और एक गुटका छूट जाता है और जैसे ही इंजन जो है इस लोड को खींचना स्टार्ट करता है ये पहिया जो है गुटके के ऊपर चढ़ जाता है और चढ़कर जो है गाड़ी डिरेल हो जाती है। इस चीज़ को रोकने के लिए हमारे अपॉइंटमेंट को ये एश्योर होना है कि हमने दोनों गुटका निकाल लिया, चेन को खोल लिया और साथ ही साथ एक जनरल ऑब्जर्वेशन में देख लिया कहीं कोई जो है अवरोध तो नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से किस तरीके से लोड को स्टेबल करना है और सिक्योर करना है वो आपको दिखाया गया। इसके साथ ही साथ परिचालन कर्मचारियों को ये जो है निर्देशित किया जाता है कि आप जो है GNSR का 5.23 रूल को पूरी तरीके से पढ़ें, समझें और जिस तरीके से प्रैक्टिकल करके इसमें दिखाया गया है उसको फॉलो करते हुए आप जो है लोड को सिक्योर करें।